हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जय श्री किचन क्विंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है झूरी, झूरी का सब्जी। ये ठंडी के मौसम में खेसारी साग का झूरी बनाया जाता है, उसे सुखा कर रख दिया जाता है। तो चलिए आज मैं इसे बनाती, इसे झूरी कहते हैं। तो ये अभी तो इस मौसम में खेसारी साग मिलता नहीं है, तो इसीलिए इसका सब्जी हम लोग बना कर खाते हैं। तो देखिए इसे कैसे बना। तो देखिए कढ़ाई गरम हो गया है, अब मैं इसमें सरसों तेल डालूंगी। और तेल गरम होने के बाद खेसारी वाला जो झोरी तैयार है उसे मैं फ्राई करूंगी तेल में। तो इसे खेसारी साग का झोरी कहते हैं, इसे बथुआ साग का भी झोरी बनता है, लेकिन ये मैं खेसारी साग का झोरी बना रही हूँ। तो इसे देखिए मैं सभी झोरी को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। ध्यान रहे ज़्यादा फ्राई हो नहीं, नहीं तो इसका सब्जी का टेस्ट खराब लगता है। ये देखिए मैंने हल्का फ्राई कर लिया है, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो फिर से मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी और तेल गरम होने के बाद मैं इसमें पचफोरना डालूंगी। तो ये देखिए पचफोरना, तेजपात आप इसमें डाल दीजिए। और यहाँ आलू को मैंने पहले से ही काट के रख लिया था, छिलका लगा हुआ। आलू का छिलका मैं नहीं छीली हूँ, बस छिलका लगा हुआ इसे चार पांच भागों में काट लिया है, लंबा लंबा करके। अब ये देखिए पानी से आलू निकाल कर अब इस तेल में मैं गिराऊंगी। ये पचफोरना भी पक गया है। तो अब ये पानी सहित, हल्का सा पानी सहित मुझे डालना ही है आलू, थोड़ा सा पानी भी जाना चाहिए, तो इससे क्या होगा आलू पक जाएगा आसानी से। तो सभी आलू को मैं पानी से निकाल कर हल्का पानी सहित मैं डाली हूँ इसमें। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है और हल्दी डालना है, एक चम्मच हल्दी मैं डाली हूँ। अब इसे अच्छे से मिलाकर इसे ढक देना है ताकि ये आलू पक जाए अच्छे से। थोड़ा पानी का भी मात्रा है इसीलिए आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आलू भी फ्राई हो गए हैं, सभी आलू पक गए हैं। अब इसमें कच्चा टमाटर मुझे लेना है, आप चाहे तो पका टमाटर भी दे सकती हैं, लेकिन कच्चा टमाटर का अच्छा स्वाद लगता है। तो मैं चार कच्चा टमाटर इसमें काट कर डाली हूँ। कच्चा टमाटर मैं इसमें ज़्यादा डाली हूँ, इसका टेस्ट अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टा खट्टा भी रहना चाहिए, इसीलिए चार टमाटर काट कर डाल देना है। और इधर मैं देखिए मसाला दिखाती हूँ। तो ये एक चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर, और ये सब्जी मसाला, और ये लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच। तो सभी मसाला मैं एक एक चम्मच ली हूँ। अब इसमें पानी डालकर मैं इसे अच्छे से मिलाकर रख लूँगी। ये देखिए मसाला मैं अच्छे से मिला दी हूँ। अब मैं चेक कर लेती हूँ, टमाटर भी थोड़ा सा गल गया होगा और आलू भी अच्छे से पक गए होंगे। तो ये देखिए अब यहाँ देखिए लहसुन का पेस्ट मैं लिया है हाफ चम्मच, ये सरसों का पिसा हुआ पेस्ट है एक चम्मच, और ये हरी मिर्च है चार भागों में मैंने काट लिया है चार हरी मिर्च। अब इन सभी मसालों को मैं इसमें टमाटर और आलू में गिरा रही हूँ और फिर इसे अच्छे से मिला रही हूँ। अब मुझे ढकना नहीं है, इसी में मैं आलू को अच्छे से फ्राई करूँगी। तो लहसुन और सरसों इसमें थोड़ा सा मैं फ्राई कर ली हूँ, उसके बाद मैं ये सब्जी मसाला और
ये जो मसाला मैं दिखाई थी, सभी मसाला एक एक चम्मच डाली थी, वो मैं इसका घोल इसमें दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिला रही हूँ। तो चलिए, ये मसाला भी मिल गया है, आलू भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, टमाटर कच्चा टमाटर जो मैं डाली थी वो भी अच्छे से गल गए हैं। तब ये इसे मैं और एक दो बार चला लेती हूँ। अब उसके बाद देखिए, ये जो झूरी है, ये झूरी जो मैं फ्राई करके रखी थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ और पानी डाल और इसमें पानी डालूँगी। तो थोड़ा सा पानी डालकर मैं फिर से इसे अच्छे से मिला रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी। अगर आपको ये सब्ज़ी पतला रखना है, अगर चावल में खाना है तो रस इसमें दीजिए, पतला रखिए। अगर रोटी में खाना है तो इसे फ्राई ही रखिए, मतलब लगा हुआ रस रहना चाहिए आलू में। यहाँ देखिए, मुझे झूरी को भी थोड़ा पकाना है तो इसीलिए मैं पानी थोड़ा इसमें ज़्यादा दी हूँ। ये देखिए, अच्छे से मिला दी हूँ। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक रही हूँ, इससे क्या होगा झूरी भी थोड़ा अच्छा से पक जाएंगे रस में। ये देखिए, झूरी भी फूलकर ऊपर आ गया है। ध्यान रहे झूरी टूटे नहीं, इसीलिए सावधानी से मुझे पकाना है। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल रही हूँ। इसे आप रोटी में या चावल में बड़ी चाव से खा सकते हैं। तो ये देखिए, आलू और झूरी का सब्जी बनकर तैयार है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।